आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी ब्रिज कोर्स गणित और गणित के भाग में हम शुरुआत करेंगे वर्कशीट क्रमांक एक से तो आइए शुरू करते हैं वर्कशीट क्रमांक एक, एक से निन्यानबे तक की संख्याओं के क्रम की समझ एक से निन्यानबे तक की संख्याओं के क्रम की समझ हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें गिनती दी गई है तो सबसे पहले लिखा हुआ एक एक के नीचे यहाँ पर आ जाएगा दो फिर तीन फिर तीन के नीचे चार बना हुआ है पाँच छ सात आठ नौ और दस फिर ग्यारह बना हुआ है बारह तेरह फिर चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और बीस फिर देखिए इक्कीस है हमारे पास बाईस तेईस चौबीस पच्चीस तो बना हुआ है छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस और 30। फिर तीस फिर इक्तीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनचालीस और चालीस फिर है इकतालीस बयालीस फिर तिरालीस हमारे पास है तो चौवालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस उनचास पचास इक्कावन बावन त्रेपन चौवन पचपन छप्पन सत्तावन अट्ठावन उनसठ साठ इकसठ बासठ तिरसठ चौसठ पैंसठ छियासठ सड़सठ अड़सठ उनहत्तर और सत्तर फिर देखिए इकहत्तर बहत्तर तिहत्तर चौहत्तर पचहत्तर छिहत्तर बना हुआ है सतहत्तर अठहत्तर उन्यासी अस्सी इक्यासी बयासी तिरासी चौरासी पचासी छियासी सत्तासी अठासी नवासी और नब्बे इक्यानवे बानवे तिरानवे चौरानवे पंचानवे छियानवे सन्तानवे अंठानवे और निन्यानवे हमारे पास बना हुआ है इस तरह से एक से निन्यानवे तक संख्याएं हमने यहाँ लिख दिया है जो आखिरी में ये ब्लैक है ये है सौ लेकिन हमें एक से निन्यानवे तक की का क्रम ही सीखना है अब हम लेते हैं वर्कशीट क्रमांक टू यहाँ पर लिखा है अंकों शब्दों में संख्या लिखना व संख्याओं की समझ तो देखिए यहाँ पर अंकों में दिया हुआ है पंद्रह तो पंद्रह के सामने शब्दों में लिखा हुआ है पंद्रह तो हम लिख देंगे अठारह तो अठारह के सामने लिख देंगे अठारह फिर है अट्ठाईस अट्ठाईस ये देखिए फिर हो गया उनचालीस तो ये हो गया उनतालीस ये लिख देंगे फिर इकतालीस है इकतालीस और फिर है चौवन तो ये लिख दिया मैंने चौवन फिर है अंकों में पैंतालीस तो शब्दों में भी लिखा हुआ है पैंतालीस फिर उनचास उनचास फिर है छियालीस छियालीस इसके बाद है उनतीस ये लिख दिया उनतीस फिर है चालीस ये लिख दिया मैंने चालीस और फिर है बहत्तर ये है बहत्तर इस तरह से अंकों में दी गई संख्याओं को शब्दों में हमने लिखा फिर आप शब्दों में लिखी संख्या को अंकों में लिखी है तो तेरह के सामने तेरह लिखा हुआ है उन्नीस के सामने लिख देंगे हम उन्नीस एक और नौ उनतीस के सामने लिख देंगे उनतीस दो और नौ फिर चवालीस के सामने क्या लिख देंगे देखिए ये आ गया फोर्टी फोर चवालीस फिर चालीस के सामने ये आ गया चालीस छिहत्तर के सामने हो गया छिहत्तर बावन के सामने बावन पहले से लिखा हुआ है फिर सैंतालीस है तो यहाँ पर आ जाएगा ये सैंतालीस फोर्टी सेवन पैंतीस थर्टी फाइव फिर पैंसठ तो ये लिख दिया मैंने पैंसठ फिर पचास तो पाँच और शून्य पचास फिर बारह तो एक और दो हो गया बारह इस तरह शब्दों में लिखी संख्याओं को अंकों में लिख दिया अब देखिए अगली वर्कशीट क्रमांक तीन है छोटी व बड़ी संख्या तो छोटी और बड़ी संख्या संख्याओं के बीच की पहले की बात की संख्या लिखिए संख्याओं के बीच की संख्या पहले की संख्या बाद की संख्या कैसे लिखना है देखिए तो यहाँ पर आठ है और दस है उनके बीच में कौन है नौ है सत्रह है उन्नीस है तो उनके बीच में कौन है अठारह है फिर देखिए शुरू में खाली डिब्बा है फिर पचास है फिर इक्कावन है तो पचास के पहले कौन है उनचास है फिर देखिए सन्तानवे है फिर अंठानबे और निन्यानवे अगला है नवासी नवासी के बाद नब्बे नब्बे के बाद इनकानबे फिर देखिए अठारह और उन्नीस दिया हुआ अठारह के पहले क्या आ जाएगा सत्रह फिर पचपन फिर आया छप्पन और फिर आया सत्तावन फिर है उनहत्तर सत्तर इकहत्तर इक्कीस बाईस तेईस सत्रह अठारह उन्नीस अब देखो आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा चौदह पंद्रह सोलह तो बत्तीस तैंतीस चौंतीस ये देखिए बत्तीस तैंतीस और चौंतीस फिर चौवालीस पैंतालीस छियालीस फिर पचासी छियासी सत्तासी पचहत्तर छिहत्तर सतहत्तर फिर उन्यासी है तो उससे पहले क्या आएगा अठहत्तर उन्यासी अस्सी उनतीस तीस इक्तीस साठ इकसठ बासठ पचास इक्यावन बावन फिर छत्तीस के पहले क्या होगा पैंतीस छत्तीस सैंतीस इस तरह से हम क्रम को शुरू की संख्या बीच की संख्या और लास्ट की संख्या के रूप में संख्याओं को दर्शा सकते हैं अब आगे वर्कशीट क्रमांक चार है वर्कशीट क्रमांक चार है दस के बंडल और खुली तीलियों की मदद से संख्या बनाना अब देखिए हमारे पास जो पहला वाला भाग है इसमें दस के कितने बंडल हैं दस का एक बंडल दो बंडल तीन बंडल दस के तीन बंडल और खुली तिलियां कितनी हैं एक तो दस के तीन बंडल हैं तो दस्तिया तीस धन एक मिलकर हो गया इकतीस अब देखिए उसके नीचे की संख्या में क्या है दस के दो बंडल हैं तो दस धूनी हो गया बीस और खुली तिलियाँ एक दो तीन चार हैं तो ये खुली तिलियाँ हो गई चार तो बन के तैयार हुआ चौबीस फिर देखिए अब दस के कितने बंडल हैं एक दो तीन एक दो तीन चार, चार पाँच छः बंडल हैं दस के तो दस छिंग साठ दहाई में है ना दस दस के बंडल हैं और तीन है खुली तीलियाँ तो ये तीन साठ और तीन मिलकर हो जाएंगे तिरसठ फिर देखिए एक दो तीन चार बंडल हैं दस के दस चौके चालीस और फिर खुली तिलियाँ हैं एक दो तीन चार पाँच पाँच खुली तिलियाँ मिलकर हो गए पैंतालीस अब देखिए दस का बंडल है एक और एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ खुली तिलियाँ हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ तो एक बंडल दस का दस एकम कम दस और नौ खुली तिलियाँ दस और नौ जब जोड़ देंगे तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा उन्नीस अब देखिए संख्याओं को तोड़कर लिखना संख्याओं को तोड़कर कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए दो दहाई और छः इकाई तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा दो दहाई के बीस और छः इकाई ऐसे ही यहाँ छब्बीस को हमने ऐसा लिखा तो सैतालीस को क्या लिखेंगे चार दहाइयाँ चार दहाइयाँ हैं सैतालीस में और कितनी इकाइयाँ हैं बताइए है, सात इकाइयाँ हैं सात इकाइयाँ है. तो चार दहाइयाँ और सात इकाइयाँ मिलकर क्या हो जाएगा चार दहाई के चालीस और सात इकाई के सात अब देखिए तिरसठ में क्या है छ दहाइयाँ हैं छह दहाइयाँ है। और कितनी इकाइयाँ हैं और तीन इकाइयाँ हैं छः दहाइयाँ हैं और कि तीन इकाइयाँ हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे छः दहाई के साठ और तीन इकाई साठ धन तीन अब देखिए अगला नवासी है नवासी में कितना है आठ ये देखिए दहाई में कौन है आठ है तो आठ दहाइयाँ और इकाई में कौन है नौ है तो और नौ इकाइयाँ हैं नौ इकाइयाँ हैं तो आठ दहाई के क्या प्राप्त होता है आठ दहाई के अस्सी और नौ इकाई का नौ फिर देखिए इक्यावन है यानि पाँच ये देखिए दहाई में कितना है पाँच है पाँच दहाइयाँ और कितनी इकाइयाँ हैं और एक इकाई है इकाइयाँ नहीं से इकाई लिखेंगे एक इकाई है तो पाँच दहाई के पचास और एक इकाई का मिलकर हो गया एक वर्कशीट क्रमांक पाँच है गिनना और इकाई दहाई लिखना चलिए गिनते हैं तो यहाँ पर जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस का एक बंडल है दस का एक बंडल है तो हम बोलेंगे कि एक दहाई और आठ खुले हैं तीन चार पाँच छः सात आठ खुले हैं तो बोलेंगे आठ इकाइयाँ इसी प्रकार यहां पर देखिए आप दस दस के दो बंडल हैं तो यहां पर होगा दो दहाइया और चार खुले हैं तो चार इकाइयाँ इसमें देखते हैं दस दस के एक दो तीन बंडल हैं तो कितना हो जाएगा तीन दहाइया हैं और कितनी इकाइयाँ हैं छह इकाइयां हैं संख्या क्या बनती है वो देखते हैं दो को लिखेंगे दहाई में और चार को लिखेंगे इकाई में तो संख्या बन गई चौबीस तीन को लिखेंगे दहाई में और छः को लिखेंगे इकाई में तो संख्या बन गई छत्तीस आप देखिए एक दो तीन चार दहाइयाँ चार दहाइयाँ एक दो तीन चार पाँच छ इकाइयाँ तो संख्या हो जाएगी दहाई में चार और इकाई में छः लिख देंगे तो छियालीस फिर यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस का एक बंडल तो ये हो गया दस का एक बंडल मतलब एक दहाई और एक सिंगल है तो एक इकाई एक दहाई और एक इकाई मिलकर बनेगी संख्या ग्यारह अब यहाँ पर एक दो तीन दहाई हैं तो तीन दहाइयाँ और इकाई कुछ भी नहीं है तो शून्य इकाइयाँ संख्या बनेंगी तीस यहाँ पर दो दहाइयाँ और दो इकाइयाँ संख्या बन गई बाईस दो दहाइयाँ एक दो तीन चार पाँच छः इकाइयाँ संख्या बन गई छब्बीस एक दो थी। तीन दहाइयाँ और दो इकाइयाँ तो तीन दहाई और दो इकाई से संख्या बन गई बत्तीस आके देखते हैं एक दहाई और एक दो तीन चार इकाई तो एक दहाई और चार इकाई से संख्या बन गई चौदह एक दो तीन चार दहाई और एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ इकाई तो संख्या बन गई अड़तालीस एक दो तीन दहाइयाँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ इकाइयाँ तो देखिए दहाई में लिख दिया तीन इकाई में लिख दिया आठ संख्या बन गई अड़तीस अब लेते हैं वर्कशीट क्रमांक छः आकलन एक संख्याओं की समझ के लिए अब संख्याओं की समझ के लिए निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए अब इन संख्याओं को शब्दों में लिखना है हाँ सबसे पहली संख्या है तिरालीस तो ये लिख दिया तिरालीस। फिर दूसरी संख्या है उन्नीस ये हो गया उन्नीस फिर है अड़तीस अड़तीस फिर है तेईस ये लिख दिया हमने तेईस इस तरह से संख्याओं को शब्दों में लिखना है निम्नलिखित संख्याओं की इकाई दहाई लिखिए तो देखिए छ सौ उनहत्तर में दहाइया सॉरी उनहत्तर में कितनी दहाइयां हैं छ दहाइयां हैं ये देखिए और कितनी इकाइया हैं नौ इकाइयाँ हैं चौरासी में दहाइयां कितनी हैं आठ और इकाइयाँ कितनी हैं चार संख्याओं को तोड़कर लिखना है तोड़कर लिखेंगे आठ है दहाई तो आठ दहाई के अस्सी और ये हो गया पाँच इकाई तो इकाई में तो एक का ही गुणा होगा तो पाँच का पाँच फिर यहाँ पर देखिए तीन है दहाई तीन दहाई के तीस और इकाई में शून्य है तो शून्य फिर छिहत्तर है सात है दहाई सात दहाई के सत्तर और 6 इकाई है तो छ अब आगे है सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए अब सबसे बड़ी संख्या के लिए हमें देखना पड़ेगा सबसे बड़ी दहाई किसकी है यहाँ दहाई पाँच है इससे बड़ी दहाई यहाँ 6 है यहाँ चार है यहाँ छः है और यहाँ पाँच है छः दहाई वाली दो संख्याएं हैं अब छः दहाई वाली संख्याओं में हमें ये देखना है कि किसकी इकाई बड़ी है तो इसमें देखिए इकाई आठ है इसमें इकाई छः है तो अड़सठ जो है सबसे बड़ी संख्या है इन दी गई संख्याओं में से इस पर हम घेरा लगा देंगे सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाइए सबसे छोटी के लिए हमें सबसे छोटी दहाई देखना पड़ेगा यहाँ पर तीन दहाई वाले तो ये हट जाएंगे फिर उसके बाद दो दहाई वाली ये तीन संख्याएं हैं तो इनमें से हमें देखना पड़ेगा कि सबसे छोटी इकाई किसकी है सबसे छोटी दहाई देखना है पहले हमें और उसके बाद जब एक समान दहाई है तो सबसे छोटी इकाई तो सबसे छोटी इकाई किसकी है तेईस की है तो हम तेईस पे घेरा लगा देंगे फिर यहाँ पर देखिए बीस बत्तीस छियालीस अठारह में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो देखिए सबसे बड़ी चार दहाई वाली संख्या है यह तो ये कौन सी है सबसे बड़ी संख्या छियालीस है तो यहाँ लिख देंगे सबसे बड़ी संख्या छियालीस है फिर आया पैंसठ पचपन छप्पन इक्यावन में सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो देखिए सबसे छोटी संख्या यहाँ पर ये यह पाँच दहाई और एक इकाई वाली है यानी इक्यावन है तो यहाँ पर हम इंक्कावन लिख देंगे अब देखिए वर्कशीट क्रमांक सात इकाई दहाई की समझ कैसे इकाई दहाई की हम यहाँ पर समझ लेंगे पहली संख्या हमारे पास है उन्नीस उन्नीस में देखिए दहाई में कितना है एक तो एक दहाई का दस और इकाई में नौ है तो नौ का नौ तो दस है तो एक बंडल हमने बना दिया यहाँ दस का और नौ बना दिया खुली तीली तो दहाई कितनी है दहाई में है एक ये देखिए और इकाई में कितना है नौ है अब सत्ताईस में देखिए दो दहाई हैं तो दो दहाई के बीस और सात इकाई है तो सात इकाई का सात लिख दिया बीस तीलियों को इस तरह से ये दस दस के दो बंडल बना दिया बीस अब दस दस के दो बंडल हैं तो कितनी दहाई हैं दस दस की दो दहाई हैं और एक दो तीन चार पाँच छः सात हमने इकाई बना दिया तो सात हो गई इकाई अब यहाँ बत्तीस में देखिए बत्तीस में दस दस के तीन बंडल बनेंगे तीन दहाई के तीस धन दो तो दस दस के तीन बंडल और दो खुली तीलियाँ तो तीन हो गई दहाई और दो हो गई इकाई छियालीस में देखिए चार चार ये देखिए दस दस के चार बंडल बनना है चार दहाई के चालीस धन छः ऐसे तोड़ेंगे ना हम छियालीस को चालीस मतलब दस दस के एक दो तीन चार बंडल बन गए और छः खुली तीलियाँ ये बना दिए हमने एक दो तीन चार पाँच छः तो हो गया चार हो गई दहाई और छः हो गई इकाई उनसठ में देखिए पाँच दहाई में है तो पाँच दहाई के पचास और नौ इकाई में है तो नौ खुली तीलियाँ तो पचास को हमने दस दस के कितने बंडल बनाए दस बीस तीस चालीस पचास और नौ खुली तीलियाँ ये लगा दिया तो कितने दहाई हो गए दस दस के कितने बंडल हो गए एक दो तीन चार पाँच बंडल हो गए तो पाँच हो गई दहाई और नौ हो गई इकाई इसी प्रकार अड़सठ में दस दस के छः बंडल और आठ खुली तिलियां तो छः दहाई आठ इकाई सतहत्तर में दस दस के सात बंडल और सात खुली तिलियां यानी सात दहाई और सात इकाई पचासी में दस दस के आठ बंडल और पांच खुली तिलियां तो आठ दहाई और पांच इकाई इस तरह से दहाई और इकाई में तोड़ा जाएगा वर्कशीट क्रमांक आठ है दहाई व इकाई की समझ जोड़ी बनाइए अब हमें क्या करना है जोड़ी बनाना है अब देखिए यहाँ पर जोड़ी किस तरह की बनेगी यहाँ पर दस का है एक बंडल दस का एक बंडल और चार खुली तीलियाँ हैं मतलब एक दहाई है और चार इकाई है एक दहाई और चार इकाई से हमने ये जोड़ी बनी हुई हमें मिल गई है फिर देखिए यहाँ पर दस का एक बंडल है यानी एक दहाई है और एक दो तीन चार पाँच छः सात इकाई है एक दहाई और सात इकाई से इसकी जोड़ी बना देंगे हम तो ये देखिए एक दहाई और सात इकाई से जोड़ी बना दिए फिर यहाँ पर एक दहाई है और दो इकाई है एक दहाई और दो इकाई से जोड़ी बना देंगे ये बन गई जोड़ी फिर यहाँ पर एक दहाई है और एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ इकाई है तो एक दहाई और आठ इकाई से ये जोड़ी बन गई फिर यहाँ पर एक दहाई और एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ इकाई है तो एक दहाई और नौ इकाई से ये जोड़ी बन गई इस तरह से हम ये जोड़ी कंप्लीट कर देंगे संख्या देखकर इकाई दहाई व इकाई दहाई देखकर संख्या लिखिए तो देखिए हमारे पास क्या है बावन है पहली संख्या बावन में कितनी दहाइयाँ हैं पाँच दहाई हैं और दो इकाई हैं इसी प्रकार छियालीस है छियालीस में कितनी दहाइयाँ हैं चार दहाई और कितनी इकाई है छः इकाई फिर यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्या तीन दहाई में लिखना है और पाँच इकाई में लिखना है तो संख्या कितनी हो गई पैंतीस फिर यहाँ पर तेईस है दो दहाइयाँ हैं और तीन इकाइयाँ हैं फिर यहां पर देखिए दहाई में सात है और इकाई में एक तो संख्या बन जाएगी इकहत्तर छियासठ में देखिए दहाई में छ और इकाई में छ फिर यहां पर देखिए दहाई में चार है और इकाई में शून्य है तो संख्या बन गई चालीस वर्कशीट क्रमांक नौ स्थानीय मान की समझ स्थानीय मान की समझ देखिए सबसे पहले हमने बत्तीस को विस्तारित रूप में लिखा तो तीन का तीन और एक संख्या है उसके बाद तो एक शून्य तीन दहाई के तीस और इकाई में हो गया दो तो जब हमने यहाँ तीस लिखा यानी दस दस के कितने बंडल बनेंगे एक दो और तीन बंडल बन गए और दो खुली तीलियाँ हो गई इस तरह से हम संख्याओं को अलग अलग लिख सकते हैं बत्तीस में अंकों का स्थानीय मान देखिए अब बत्तीस को हम क्या लिखेंगे दहाई में तीन है तो तीन दहाई के तीस और दो इकाई के दो तो क्या हो जाएगा तीन का मान हो जाएगा तीस और दो का मान हो जाएगा दो ऐसे ही देखिए यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा दहाई में दो है तो दो दहाई के बीस और आठ है इकाई में तो इकाई का आठ तो आठ का दो का मान क्या हो जाएगा दो का मान हो जाएगा बीस और आठ का मान हो जाएगा आठ तो इस तरह से मान हम समझ पाएंगे अब सत्रह है सत्रह में दहाई में एक है एक दहाई की दस और इकाई में सात है तो एक का मान दस और सात का मान सात अब यहाँ पर सैंतीस है तो दहाई में तीन दहाई की तीस इकाई में हो गया सात तो तीन का स्थानीय मान हो गया तीस और सात का स्थानीय मान हो गया सात यहाँ तिरालीस है तो दहाई में चार है चार दहाई के चालीस इकाई में तीन है तो चार का स्थानीय मान हो जाएगा चालीस और तीन का स्थानीय मान हो जाएगा तीन सत्ताईस है सत्ताईस में दहाई में दो है तो दो दहाई के बीस और ये इकाई में सात है तो दो का मान हो जाएगा बीस और सात का मान सात इकतीस में देखिए दहाई में तीन है तो तीन का मान हो जाएगा तीस और इकाई में एक है तो एक का स्थानीमान एक मान की समझ देखिए अब यहाँ पर बंडल दिए हुए हैं दस बीस तीस चालीस चार दहाई के हो गए चालीस और छः खुली तिलियाँ हैं तो छः तो छियालीस इसी प्रकार देखिए तिहत्तर में अंकों का मान क्या होगा तिहत्तर में सात दहाई है तो सात दहाई की सत्तर और तीन इकाई है तो तीन तो सात का स्थानीय मान होगा सत्तर और तीन का स्थानीय मान होगा तीन अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा नब्बे ये गलत छपा हुआ है अब यहाँ पर यहाँ है नब्बे तो इस दहाई में हो गया नौ और इकाई में हो गया आठ तो संख्या बन गई अंठानबे तो नौ का स्थानीय मान हो गया नब्बे और आठ का स्थानीय मान हो गया आठ यहाँ पर देखिए यहाँ पर बन जाएगा दहाई में है छः इकाई में है शून्य तो हो जाएगा साठ तो छः का स्थानीय मान हो गया साठ और शून्य का स्थानीय मान शून्य अब यहाँ पर देखिए संख्या बनेगी दहाई में पाँच इकाई में पाँच पचपन तो पाँच का स्थानीय मान ये दहाई के पाँच का मान हो जाएगा पचास और इकाई के पाँच का स्थानीय हो जाएगा पाँच फिर यहाँ पर देखिए दहाई में चार इकाई में नौ उनचास तो चार है इसलिए दहाई के चार का मान हो जाएगा चालीस इकाई के नौ का मान नौ अब यहाँ पर देखिए दहाई में सात है सत्तर और इकाई में दो है तो दो यहाँ बन गया बहत्तर तो सात का मान होगा सत्तर और दो का स्थानीय होगा दो फिर यहाँ पर दहाई में छः है इकाई में सात है तो छः है तो छः का मान हो गया साठ और सात का मान हो गया सात इस तरह से मान हम हल कर पाएंगे फिर से देखिए वर्कशीट क्रमांक ग्यारह मान की समझ पैंतीस में क्या है दहाई में तीन है तो तीन दहाई के स्थान पर है अतः तीन का मान तीस है बिल्कुल सही है फिर देखिए पाँच इकाई के स्थान पर है अतः पाँच का स्थानीय क्या है पाँच है इकाई वाले का तो देखिए दहाई वाले में दहाई में जैसे तीन है तो तीन के बाद एक संख्या है ना ये पाँच इसलिए एक शून्य लगा दिया तीन का स्थानीय तीस हो गया और तो पाँच के बाद कोई संख्या नहीं है इसलिए पाँच का इस मान पाँच ही रह जाता है आप देखिए यहाँ पर चार दहाई के स्थान पर है अतः तो चार का मान क्या होगा चार दहाई के चालीस और छः इकाई के स्थान पर है इसलिए छः का स्थानीय क्या होगा तो हो जाएगा छः इकाई है तो इकाई छः का मान छः इकाई वाले का मान वही संख्या होती है यहाँ पर देखिए बावन पाँच दहाई के स्थान पर है तो पाँच का मान कितना हो जाएगा दहाई पर है तो पचास हो जाएगा ना और दो इकाई के स्थान पर है तो दो का स्थानीय दो ही रहेगा इसी प्रकार अड़सठ में देखिए छः दहाई के स्थान पर है तो छः का स्थानीय मान छः दहाई के साठ और आठ इकाई के स्थान पर है तो आठ का स्थानीय मान आठ ही रहेगा है ना इसी तरह से हमें छिहत्तर पैंसठ नब्बे और नवासी के स्थानीय मान की समझ लेना है वर्कशीट क्रमांक बारह आकलन टू मान की समझ अब देखिए निम्नलिखित संख्याओं को तोड़कर लिखिए तोड़कर लिखेंगे दहाई में कौन है आठ तो आठ दहाई के अस्सी और इकाई में है आठ तो ये हो गया आठ फिर दूसरी संख्या इक्कीस तो दो है दहाई में तो दो दहाई के बीस और एक इकाई फिर पचास है तो पाँच दहाई के पचास और इकाई में शून्य है तो शून्य फिर ये छियानबे है तो नौ दहाई के नब्बे धन छः छियानबे हो गया संख्या की इकाई दहाई बताइए तो यहाँ पर देखिए छः क्या है दहाइयाँ हैं और चार क्या हैं इकाइयाँ हैं यहाँ पर आठ दहाइयाँ हैं और तीन इकाइयाँ हैं इसी प्रकार हमें तिरानबे की दहाइयाँ और बहत्तर की इकाइयाँ लिखना है फिर देखिए मान लिखना है छिहत्तर में से छः का मान ये देखिए सात का स्थानीय मान तो सात दहाई के सत्तर और छः इकाई में है इसलिए छः का स्थानीय मान छः ही रहेगा बयालीस में दो का स्थानीय मान देखिए दो इकाई में है इसलिए दो का स्थानीय मान दो ही रहेगा अंठानबे में नौ का स्थानीय मान नौ दहाई में है इसलिए नौ दहाई के नब्बे उसके बाद एक नौ का नौ और उसके बाद एक संख्या है तो एक सुन लगा देंगे पंद्रह में पाँच का स्थानीय मान पाँच इकाई में है इसलिए पाँच का स्थानीय मान पाँच ही रहेगा वर्कशीट क्रमांक तेरह है यहाँ पर हमें चित्रों द्वारा जोड़ना है तो ये देखिए यहाँ पर हैं तीन चित्र तो तीन चित्र और यहाँ पर हैं छः चित्र तो तीन और छ दोनों को जोड़कर नौ प्राप्त हुआ उसी प्रकार देखिए यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पाँच तो ये पाँच हो गए और पाँच में जब हम एक मिला देंगे तो पाँच और एक मिलकर छ हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर सेप कितने हैं एक, दो हैं और नीचे एक दो तीन चार पाँच हैं तो दो में जब हम पाँच जोड़ेंगे तो सात हो जाएगा बैगन देखिए एक दो तीन चार पाँच छः हैं और उसमें जब हम दो मिला देंगे तो हो जाएंगे आठ अनार देखिए एक दो तीन चार पाँच हैं और उसमें कुछ भी अनार नहीं मिलाया ज़ीरो मिलाया तो पाँच का पाँच ही रह जाएगा फिर यहां पर टमाटर देखिए एक दो तीन चार हैं उसमें दो और मिला दिया तो छ हो गए तीली बंडल से जोड़ना तो देखिए यहां पर दस का एक बंडल है तीलियों का और तीन खुली तीलियां हैं तो एक दहाई और तीन इकाई लिख दिया फिर यहां पर भी दस का एक बंडल है और चार खुली तीलियाँ हैं तो एक दहाई और चार इकाई लिख दिया अब इनको हम जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर खुली तीलियाँ तीन हैं और यहाँ पर खुली तीलियाँ चार हैं तो तीन खुली तीली और चार खुली तीली मिलकर हो जाएंगी सात खुली तीली तो इकाई में हो जाएगा सात बंडल देखिए एक दहाई और एक दहाई मिलकर हो गए दो दहाई तो दो दहाई यहाँ पर हो जाएगा दहाई में दो अब हम इन्हें संख्याओं को भी जोड़ेंगे तो तीन और चार मिलकर हो जाएगा सात एक और एक मिलकर हो जाएगा दो तो हम तीली और बंडल से इस तरह से जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हुआ सत्ताईस प्राप्त हुआ जो कि दो दहाइयाँ और सात इकाइयों से मिलकर बना है अब हमें इसी तरह से इन संख्याओं को जोड़ना है तो यहाँ पर देखिए पाँच हैं तो एक दो तीन चार पाँच तीली और यहाँ पर एक दो तीन चार तीली तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ तीली हो गई और बंडल देखिए एक दस का बंडल और दूसरा दस का बंडल दस दस के दो बंडल तो ये हो गया उनतीस जहाँ पर दो दहाई और नौ इकाइयाँ हैं इसी प्रकार देखिए दो और छः को हम जोड़ देंगे एक दो एक दो तीन चार पाँच छ तो छः सात और आठ हो गया तो ये हो गई इकाई आठ और दहाई देखो दो और दो मिलकर हो गई चार तो चार आठ इकाइयाँ और चार दहाइयाँ हो गई अब यहाँ पर देखिए दो हो गई इकाई यहाँ पर हो गई दो इकाई तो चार इकाई और यहाँ हो गई चार दहाई और तीन दहाई तो मिलकर हो गई सात दहाई इस तरह से हमें अन्य सवालों को भी जोड़ना है क्रमांक पंद्रह है बिना हासिल का जोड़ बिना हासिल का जोड़ हमारे पास संख्या है बत्तीस और पच्चीस का जोड़ तो सबसे पहले हम बत्तीस और पच्चीस को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे तो बत्तीस लिखा मैंने पहले और बत्तीस में ये इकाई कितना है दो और दहाई है तीन तो इकाई के ही नीचे ये लिखेंगे पाँच और दहाई के नीचे लिखेंगे दो इस तरह से हम पहले संख्याओं को लिख लेंगे फिर इकाई की तरफ से हमें जोड़ना शुरू करना है ये देखिए इकाई है दो और पाँच दो और पाँच को हम जोड़ लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा सात हमने इकाई पहले जोड़ा फिर हमें इकाई तो हमने जोड़ चुका है सात आ चुका है अब हम दहाई जोड़ लेंगे दहाई में यह तीन और यह दो तीन और दो मिलकर यह हो जाएगा पाँच तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी सं, संतावन इस संतावन को इस तरह से सवाल को पूरा हम कॉपी में लिख लेंगे कि दो और तीन हो गया दो और पाँच हो गया सात तीन और दो हो गया पाँच इस तरह से संतावन हमें प्राप्त हुआ अब हमने यहाँ इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई लिखे हुए सवाल दिए हुए हैं फिर इकाई के तीन में इकाई के पाँच को जोड़ेंगे तो इकाई जुड़कर पाँच और तीन आठ हो गई फिर दहाई के तीन में दहाई के दो को जोड़ेंगे तो पाँच संख्या अंठावन प्राप्त हुई इकाई के पाँच में इकाई के चार को जोड़ देंगे तो पाँच छः सात आठ नौ ये हो गया इकाई में नौ दहाई के छः में दहाई के दो को जोड़ देंगे छः और दो हो जाएगा आठ इकाई के दो में शून्य जोड़ेंगे तो इकाई में आया दो दहाई के चार में दहाई का तीन जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा सात संख्या हो जाएगी बहत्तर फिर इकाई के पाँच और इकाई के चार को जोड़ेंगे तो नौ दहाई के पाँच और तीन को जोड़ देंगे तो आठ संख्या हो जाएगी नवासी इसी तरह से हमें सवाल नंबर पाँच छः सात और आठ को भी हल करना है अब यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है कि सात और दो को जब हमने जोड़ा तो ये हो गया नौ और दो और दो को जब जोड़ा तो चार संख्या प्राप्त हुई उनचास तो यहाँ पर दिया हुआ है कि वास्तव में सत्ताईस क्या है सत्ताईस है दो दहाई के बीस धन सात यानी दहाई में एक शून्य बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा बीस धन सात इसी प्रकार बाईस क्या है बाईस है दो दहाई के बीस धन दो तो खुली तीलियों को जब हम जोड़ देंगे तो कितनी प्राप्त होंगी सात और दो नौ और ये बंडलों को जब हम जोड़ेंगे तो बीस और बीस मिलकर हो जाएगा चालीस तो उनचास को हम लिख सकते हैं चालीस धन नौ तो इन संख्याओं को कैसे लिखेंगे दो दहाई सात इकाई फिर दो दहाई दो इकाई और ये चार दहाई नौ इकाई इस तरह से संख्याएं प्राप्त हुई इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास सवाल है छ और तीन या तीन और छ को हम जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा नौ और चार और एक को जब जोड़ देंगे तो प्राप्त होगा पाँच संख्या प्राप्त होगी उनसठ जिसमें वास्तव में ये देखिए चार दहाई के चालीस धन तीन और यहाँ पर क्या होगा एक दहाई का दस धन छ तो इन्हें भी जब हम जोड़ेंगे तो छः और तीन नौ खुली तीली और ये देखिए दस दस के पाँच बंडल प्राप्त होंगे पचास धन नौ तो हाँ यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ चार दहाई तीन इकाई यहाँ पर एक दहाई छः इकाई और यहाँ पर पाँच दहाई नौ इकाई इसी तरह से हमें दूसरा सवाल करना है वर्कशीट क्रमांक सोलह है जोड़ना तीन में जब हम एक को जोड़ देंगे तो तीन और एक हो जाएगा चार पाँच में जब हम दो को जोड़ देंगे तो पाँच और दो हो जाएंगे सात इस तरह से संख्या बन जाएगी चौहत्तर आठ में एक को जोड़ देंगे तो नौ छः में तीन को जोड़ देंगे सात आठ नौ यह भी संख्या बन जाएगी निन्यानबे इस तरह से इकाई से जोड़ना हमें शुरू करना है पाँच में चार को जब हम जोड़ेंगे तो पाँच चार हो जाएगा नौ दो में दो को जोड़ेंगे तो संख्या हो जाएगी चार तो ये हो जाएगी संख्या उनचास इसी तरह से हमें सवाल नंबर चार से लेकर पंद्रह तक के सवालों का अभ्यास करना है फिर देखिए वर्कशीट क्रमांक सत्रह है जोड़ना यहाँ देखिए दो में जब हम तीन जोड़ेंगे तो पाँच हो जाएगा और तीन में जब हम चार जोड़ेंगे तो चार और तीन हो जाएगा सात संख्या बन जाएगी पचहत्तर अब यहाँ पर देखिए अब हमारे पास किस में किसको जोड़ना है यह दिया हुआ नहीं है तो चार में हम कितना जोड़ेंगे तो सात हो जाएगा चार में हम तीन जोड़ेंगे तो सात हो जाएगा और तीन में कितना जोड़ेंगे तो छः हो जाएगा चार पाँच छः तीन में हम तीन जोड़ेंगे तो छः हो जाएगा इस तरह से हमें तैंतीस जोड़ना पड़ेगा चौंतीस में तब संख्या सड़सठ प्राप्त होगी अब तीसरा सवाल देखिए इसमें पाँच में हम कितना जोड़ेंगे तो नौ हो जाएगा पाँच में हम जोड़ देते हैं चार पाँच छः सात आठ नौ है ना चार जोड़ेंगे तो नौ प्राप्त हो जाएगा और एक में कितना जोड़ेंगे तो चार प्राप्त हो जाएगा दो तीन चार कितना जोड़ना पड़ा तीन जोड़ना पड़ा तो ये देखिए यह संख्या हमें क्या प्राप्त हो गई उनचास क्या जोड़ने पर पंद्रह में चौंतीस जोड़ने पर अब यहाँ देख लेते हैं तीन में क्या जोड़ेंगे तो दो में क्या जोड़ेंगे तो पाँच हो जाएगा दो में तीन चार पाँच कितना जोड़ना पड़ रहा है तीन जोड़ना पड़ रहा है तीन में क्या जोड़ेंगे तो छः हो जाएगा तीन तीन के आगे पढ़िए चार पाँच छ तीन जोड़ना पड़ेगा इस तरह से बत्तीस में तैंतीस जोड़ने पर पैंसठ प्राप्त होता है इसी प्रकार हमें सवाल नंबर नौ तक इन सवालों का अभ्यास करना है वर्कशीट क्रमांक अठारह है निम्नलिखित संख्याओं को जोड़कर लिखिए अब जोड़कर हमें लिखना है छ में दो जोड़ दीजिए तो छः सात आठ फिर छः में दो जोड़ दीजिए सात आठ हमें क्या प्राप्त हुआ अट्ठासी प्राप्त हुआ एक में दो जोड़ दीजिए एक में दो जोड़ दिया तो तीन लेकिन सात में चार जोड़ेंगे तो देखिए सात है उसके आगे आठ नौ दस ग्यारह कितना हो गया ये देखिए हमें तीन अंकों की संख्या प्राप्त हुई एक सौ तेरह इसी प्रकार देखिए पाँच और तीन को जोड़ देंगे तो पाँच में तीन जोड़ दो छः सात आठ और दो में चार जोड़ देना है तो दो में चार जोड़ दो, दो तीन चार पाँच छः इस तरह से हमें क्या प्राप्त हुआ अड़सठ प्राप्त हुआ निम्नलिखित प्रश्नों को हल करें छः में कितना जोड़ने पर सात हो जाएगा छः के आगे पढ़ते हैं सात एक ही जोड़ना पड़ेगा चार में कितना जोड़ने पर नौ हो जाएगा तो चार के आगे पढ़ते हैं पाँच छः सात आठ नौ एक दो तीन चार पाँच जोड़ना पड़ा तो इस तरह से छियालीस में इक्कावन जोड़ने पर संतानवे प्राप्त हुआ इसी तरह से हमें सवाल नंबर दो और तीन भी करना है निम्नलिखित प्रश्नों को हल करें अब देखिए दो में कितना जोड़ने पर आठ हो जाएगा जोड़िए दो तीन चार पाँच छः सात आठ एक दो तीन चार पाँच छः कितना जोड़ना पड़ा छः जोड़ना पड़ा और यहाँ पर एक में कितना जोड़ने पर तीन हो जाएगा एक कि आगे बढ़ाइए दो तीन ये देखिए दो जोड़ना पड़ा तो कुल मिला के बारह में छब्बीस जोड़ने पर हमें अड़तीस प्राप्त हो गया इसी तरह से सवाल नंबर दो और तीन हमें हल करना है वर्कशीट क्रमांक उन्नीस है दोबारा समूह बनाकर जोड़ दोबारा समूह बनाकर जोड़ देखिए यहाँ पर पाँच दहाई यानी दस दस के एक दो तीन चार पाँच बंडल दिए गए हैं और आठ इकाई एक दो तीन चार पाँच सात, आठ इकाई दी गई हैं फिर इसमें नीचे देखिए तीन दहाई एक दो तीन दहाई और एक दो तीन चार पाँच यहाँ पर इकाई दी गई हैं तो देखिए जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे इकाई से हम जोड़ना शुरू करेंगे तो ये ऊपर के आठ बंडल और ये नीचे के दो बंडल मिलकर दस बन जाएंगे है ना तो दस का एक बंडल बन जाएगा तो ये दस का एक बंडल यहाँ चला जाएगा पेक हो गया ना तो वो दस का बंडल हो गया इसलिए वो दहाई में चला गया अब कितने बचे खुली तीलियाँ खुली तीलियाँ हमारे पास एक दो तीन मतलब खुले डिब्बे हमारे पास तीन बचे अब यहाँ पर देखिए ऐसे ही हमने आठ और पाँच को जब हमने मिलाया तो आठ और पाँच हो गए तेरह तो तेरह के हमें तीन बस इकाई है एक बंडल बन के तैयार हो गया और वो बंडल कहाँ चला गया वो बंडल चला गया दहाई में तो दहाई में ऑलरेडी कितने बंडल थे एक दो तीन चार पाँच बंडल थे और फिर ये छः सात आठ बंडल हो गए और एक बंडल और मिल गया तो दहाई में बंडल हो गए नौ तो दहाई में हो गया नौ और इकाई में हो गया तीन तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब खुले डिब्बों की संख्या दस से अधिक हो जाती है तो वो दहाई का एक बढ़ जाता है तो इस तरह से हमें इकाई में तीन और दहाई में नौ प्राप्त हुआ संख्या तिरानबे प्राप्त हुई इसी प्रकार अब हम देखेंगे कि चार इकाई और सात इकाई मिलकर हो गए सात आठ नौ दस ग्यारह तो ग्यारह में हमें इकाई में केवल एक बचेगा और एक बंडल जो बच गया उसको दहाई में पहुंचा दीजिए तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा पहले से चार और दो छः और एक खुला बंडल और आ गया एक बंडल तो ये हो गया सात तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा इकहत्तर इसको हम हासिल बोलते हैं जैसे यहाँ पर पाँच और पाँच मिलकर दस का एक बंडल बन गया और खुली तिलियाँ कुछ भी नहीं बची तो खुली तिलियाँ हो गई जीरो और एक बंडल बढ़ने से हासिल का एक हो गया तो चार और एक पाँच हो रहा था लेकिन एक बंडल और बढ़ने से हो जाएगा छः तो इस तरह से हमें साठ प्राप्त हुआ इसी तरह से तीसरा और चौथा सवाल भी करना है अब यहाँ पर इन्हीं सवालों को आड़े रूप में दिया गया है कि नौ इकाई में इकाई जोड़ना है देखिए नौ इकाई और तीन इकाई नौ दस ग्यारह बारह तो बारह में हमें देखिए खुली तीलियाँ केवल कितनी हैं दो हैं और एक बंडल बढ़ गया जो दहाई में जुड़ जाएगा यानी हासिल का एक हो जाएगा तो दहाई के देखिए चार और दो हो गए छः और ये हासिल का एक मिलकर हो गया सात इस तरह से प्राप्त हुआ बहत्तर इन अन्य सवालों का भी आपको अभ्यास करना है वर्कशीट क्रमांक बीस है सत्ताईस और सोलह का जोड़ तो सत्ताईस और सोलह का जोड़ कैसे करेंगे तो देखिए सबसे पहले हमें करना है सत्ताईस में देखिए दो दस दस के बंडल हैं और सात खुली तिलियाँ हैं तो ये लिख दिया दो दहाई सात इकाई सोलह में क्या है एक दस का बंडल है और छः खुली तिलियाँ हैं तो लिख दिया एक दहाई और छः इकाई अब जब हम इन्हें जोड़ देंगे तो खुली तीलियाँ कितनी हो जाएंगी ये हो गई खुली तीलियाँ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह हो गई तेरह जब खुली तिलियाँ हो गई तो दस का एक और बंडल तैयार हो गया और तीन खुली तिलियां बची अब दस का बंडल हो जाता है ना तैयार अब हमारे पास दस दस के एक दो एक दो तीन और एक तैयार हुआ था चार बंडल हो चुके तो चार बंडल और खुली तिलियाँ कितनी हैं तीन हो गई तो चार दहाई और तीन इक्काई इस तरह से तिरालीस हो जाएगा इसे हम ऐसे जोड़ेंगे तो सात और छः तेरह तेरह में तीन खुले तीलियाँ हैं तो तीन और हासिल का हो जाएगा एक फिर दहाई में हो जाएगा दो और एक तीन और एक दहाई बढ़ गया तो चार इस तरह से तिरालीस प्राप्त होगा इसी तरह से हमें इन सवालों का अभ्यास करना है यहाँ पर कुल मिलाकर बारह सवाल दिए गए हैं अब वर्कशीट क्रमांक इक्कीस है एक बगीचे में पैंतीस पेड़ आम तथा पच्चीस पेड़ जामुन के हैं तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं अब हमें हाँ जोड़ देना है आम के पेड़ों को और जामुन के पेड़ों को तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा देखिए आम के पेड़ हैं पैंतीस और जामुन के पेड़ हैं पच्चीस तो इकाई के नीचे जब इकाई लिखेंगे तो पाँच और पाँच मिलकर दस दस का एक बंडल बनने की वजह से खुली तीलियाँ केवल हो जाएंगी शून्य और तीन एक बंडल बढ़ गया दहाई में तो तीन और दो हो गया पाँच और एक दहाई बढ़ने से हो गया छः तो कुल पेड़ कितने हैं साठ पेड़ हैं अब देखिए दूसरा प्रश्न है कक्षा एक में बालकों की संख्या इक्कीस कक्षा एक में बालकों की संख्या इक्कीस व बालिकाओं की संख्या तेईस है तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है तो देखिए बालकों की संख्या हो गई इक्कीस और बालिकाओं की संख्या हो गई तेईस तो जब हम इन्हें जोड़ देंगे तो इकाई में एक और तीन मिलकर हो जाएगा चार और दहाई में देखिए दो और दो मिलकर हो जाएगा चार तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हो गई चौवालीस एक पुस्तक में हिंदी विषय के छियालीस पेज व गणित विषय के बयालीस पेज हैं तो पुस्तक में कुल कितने पेज हैं तो देखिए हिंदी विषय के छियालीस पेज हैं और गणित विषय के बयालीस पेज हैं इकाई के नीचे इकाई 6 और दो जुड़ जाएंगे तो छः सात आठ और चार और चार जुड़ जाएंगे तो चार और चार मिलकर हो गए आठ कुल मिला के पुस्तक में कुल अट्ठासी पेज हैं इसी तरह से प्रश्न नंबर चार पाँच छः और सात का आपको अभ्यास करना है बच्चों फिर वर्कशीट क्रमांक बाईस है चित्रों द्वारा घटाना अब हम घटाना देखते हैं कैसे घटाएंगे अब हमारे पास यहाँ पर आठ चित्र दिए गए हैं आठ चित्रों में से तीन चित्र को घटाना है तो ये देखिए तीन को एक दो तीन को क्रॉस कर दिया गया अब कितना कितने चित्र बचे तो यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच चित्र बचे तो आठ में से तीन घटे तो पाँच बचे अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हैं हमारे पास सात चित्र एक दो तीन चार पाँच छ सात और सात में से हमें जब छः घटा देना है यानी एक दो तीन चार पाँच घटा दिए तो हमारे पास कितने चित्र बचे केवल एक अब यहाँ पर हमारे पास, पास पांच चित्र हैं पांच में से ये देखिए एक दो तीन चार पाँच चित्र हैं और पाँच में से हम जब एक को घटा देंगे तो कितने बचेंगे एक दो तीन चार बचेंगे तो यहाँ पर चार कर देंगे अब हमारे पास यहाँ पर इसी तरह से एक दो तीन चार पाँच छः सात सवाल दिए गए हैं इन्हें हमें अपनी पुस्तिका में हल करना है वर्कशीट क्रमांक तेईस है घटाना अब हमारे पास यहाँ पर एक, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह चित्र थे ग्यारह में से हमें नौ को घटाना है तो हमने नौ को क्रॉस कर दिया चलिए नौ को क्रॉस कर देते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ को क्रॉस कर दिया तो हमारे पास कितने चित्र बचे दो चित्र बचे ये देखिए तो दो आ जाएगा अब यहाँ पर हमारे पास कितने चित्र हैं है, सोलह हैं सोलह देखिए सोलह चित्र एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह में से हमें तेरह को घटाना है तो तेरह को काट दीजिए तेरह चित्रों को एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह कट गए तो कितने बचे एक दो और तीन शेष बच गए तो यहाँ जाएगा तीन इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास बारह चित्र हैं बारह में से सात को हमें काटना है तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात को हमने काट दिया तो हमारे पास कितने चित्र बचे एक दो तीन चार पाँच चित्र बचे तो यहाँ पर हमने लिख दिया पाँच इसी तरह से हमें इन सवालों को भी हल करना है अब हो जाएगा वर्कशीट क्रमांक चौबीस आकलन चार जोड़ने और घटाने की समझ के लिए अब देखिए हमें निम्नलिखित संख्याओं को जोड़कर लिखना है तो तीन में जब हम चार जोड़ देंगे तो तीन चार पाँच छः सात हो जाएगा ये देखिए और आठ में हमें जब पाँच जोड़ देंगे तो आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तो तेरह को जैसे का वैसा ही लिख देंगे एक सौ सैंतीस प्राप्त हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए दो में सात जोड़ देंगे तो सात में दो भी जोड़ सकते हैं तो नौ हो जाएगा और नौ में जब तीन जोड़ देंगे नौ दस ग्यारह बारह हो जाएगा तो देखिए इकाई के नीचे इकाई दहाई के नीचे दहाई और ये जो नया अंक प्राप्त हो रहा है इसे अलग लिखना है इसे सैकड़ा कहते हैं अब देखिए पाँच और आठ तेरह हो जाएगा तेरह की यहाँ तीन हो गई छः और दो आठ और एक नौ ये देखिए जो हासिल का एक आता था ना एक नया बंडल बन के वो यहाँ जुड़ जाता है तो इस तरह से तिरानबे प्राप्त हुआ इसी तरह से अब हमें ये घटाने के सवाल देखना है छः हैं तो छः एक दो तीन चार पाँच छः छः में से अब हमें कितने पाँच हटा देना एक दो तीन चार पाँच तो कितना बचा केवल एक बचा अब हमारे पास देखिए एक दो तीन हैं तीन में से जब हम दो को कट कर देंगे तो कितना बचेगा एक दहाई बचेगा इस तरह से ग्यारह यहाँ पर आठ है तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ में से सात कम कर दीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात कम कर दिए कितना बचा एक और यहाँ पर हैं दो, दो में से एक को कम करना है तो बचा कितना एक इस तरह से यहाँ भी ग्यारह प्राप्त हुआ ये तीसरा सवाल आपको स्वयं करना है राजीव के पास पैंतालीस रुपए हैं और उसकी बहन के पास छप्पन रुपए हैं तो दोनों के पास कुल कितने रुपए हैं तो देखिए राजीव के हो गए पैंतालीस रुपये और उसकी बहन के हो गए छप्पन रुपये दोनों के रुपए आपस में जुड़ जाएंगे तो जुड़ेंगे तो क्या होगा देखिए पाँच और छः जुड़ जाएंगे पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह में चूँकि दस का एक बंडल बन चुका है इसलिए ग्यारह की एक हासिल का एक ये हासिल का यहाँ आके जुड़ जाएगा तो पाँच और चार हो जाएंगे नौ और एक हासिल का मिलकर हो गया दस तो कुल मिला के एक सौ एक रुपये हैं अब ये चौथा सवाल आपको स्वयं करना है वर्कशीट क्रमांक पच्चीस है तीली बंडल से घटाना तीली बंडल से देखिए कैसे घटाएंगे? यहाँ पर हमारे पास एक दो तीन चार बंडल हैं दस के और सात खुली तीलियाँ हैं तो उसमें से हमें दस का एक बंडल और तीन खुली तीलियाँ घटाना है तो सात खुली तीलियों में से तीन खुली तीलियाँ घटाने पर हमें कितना प्राप्त होगा चार ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात में से तीन खुली तीलियाँ हमने हटा दिया तो कितना बचा चार बचा इसी प्रकार चार बंडल हैं एक दो तीन चार बंडल में से एक बंडल कम कर दिया तो कितने बंडल बचे तीन बंडल बचे तो यहाँ पर हम बना देंगे तीन दस दस के बंडल और चार खुली तीलियाँ इसी तरह से यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास छ है छः में से चार घटाना है तो एक दो तीन चार पाँच छ छः में से हमने एक दो तीन चार को काट दिया बच्चे कितने दो और बंडल देखिए है, पाँच हैं तो एक दो तीन चार पाँच पाँच में से हमने दो कम कर दिया तो कितना बचा तीन बंडल बचे इसी तरह से बच्चों इन सवालों को आपको हल करना है वर्कशीट क्रमांक छब्बीस है घटाना अब इसमें हम संख्याओं को घटाएंगे तो हमारे पास है तिरानवे तिरानवे में से अठारह को घटाना है तो सबसे पहले हम इकाई जब लेते हैं तो इकाई में तीन है और तीन में से हमें आठ घटाना है तो यह संभव नहीं है तो यहाँ पर एक बंडल दस का हम इस तरफ लेंगे तो ये हो जाएगा तेरह अब तेरह में से आठ को हम घटा सकते हैं तो तेरह में से जब हम आठ को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा पाँच प्राप्त हो जाए इसे ऐसे समझेंगे कि हम देख रहे हैं कि तिरानबे में नौ दहाई हैं तो नौ दहाई के नब्बे धन तीन अब जब हम एक दहाई इधर पे उधार देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा तेरह और यहाँ बचेगा अस्सी तो अब हम यहाँ से तेरह में से जब आठ को घटाएंगे तो बचेगा पाँच और अस्सी में से जब दस को घटाएंगे तो बचेगा सत्तर तो सत्तर और पाँच पचहत्तर तो यहाँ पर भी पचहत्तर इस तरह से हम हासिल का लेकर घटाते हैं उदाहरण दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास है चौरानवे चौरानवे मतलब नौ दहाई और चार इकाई और इसमें से घटाना है सत्तासी तो आठ दहाई और सात इकाई तो हमें जब चार इकाई में से सात इकाई हम नहीं घटा पाएंगे तो यहाँ से जब हम एक दहाई उधार देंगे तो यहाँ पर बचेगा अस्सी और यहाँ एक दहाई आने से हो जाएगा चौदह तो चौदह में से जब हम सात घटाएंगे तो बचेगा सात और 80 में से 80 घटाएंगे तो शून्य दहाई नहीं बचेगा केवल इकाई में बचेगा सात तो इस तरह से सात बचा अब हम एक सवाल और ले लेते हैं कि यहाँ से पाँच में से नौ घटाना संभव नहीं है एक उधार ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा पंद्रह पंद्रह में से जब हम नौ घटाएंगे तो बचेगा छः और यहाँ पर बचा दो दो में से दो गया तो बचा शून्य इसी प्रकार देखिए यहाँ है चार चार में से पाँच नहीं घटता तो फिर हम एक यहाँ उधार ले जाएंगे यहाँ हो जाएगा चौदह चौदह में से जब पाँच जाएगा तो चौदह में से पाँच घटा दीजिए बचेगा नौ और यहाँ बचा कितना सात सात में से जब तीन जाएगा तो बचेगा चार उनचास इसी प्रकार हमें ये सवाल करना है आठ नंबर तक अब है वर्कशीट क्रमांक सत्ताईस घटाना इसमें देखिए त्रासी में से सत्ताईस को घटाना है तो हमें देखिए त्रासी में से सत्ताईस घटाने के लिए हम त्ररासी को लिख देंगे क्या लिख सकते हैं त्रासी में वास्तव में आठ दहाई हैं और तीन इकाई हैं आठ दहाई तीन इकाई जब एक दहाई हम यहाँ उधार देंगे तो सात दहाई और तेरह इकाई हो जाएंगे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो इकाई में जो पाँच है वो तीन में से नहीं घट पा रहा है तो हम यहाँ पर एक उधार दे देंगे तो हमारे पास वास्तव में पहले क्या था आठ दहाई और तीन इकाई था पच्चीस में क्या था दो दहाई और पाँच इकाई था तो जब इकाई से तीन से पाँच नहीं घट पा रहा था तो एक दहाई जब हमने इसको उधार दिया यहाँ पर तेरह इकाई हो गया तेरह इकाई में से पाँच इकाई कम हुए तो हो गया आठ इकाई और यहाँ बचा था सात दहाई सात दहाई में से पाँच दो दहाई कम हुए तो बचेगा पाँच दहाई इस तरह से पाँच दहाई और आठ इकाई मिलकर कितना शेष बचा अंठावन बचा इसी प्रकार देखिए यहाँ पर हमारे पास है इकाई में चार तो चार है हमारे पास इसका मतलब देखिए साठ धन चार चौंसठ को हम लिखेंगे छः दहाई और चार इकाई जब हम देख रहे हैं कि चार में से सात नहीं घट पा रहा है तो हम क्या देंगे एक इकाई उधार देंगे तो यहाँ पर छः दहाई थे तो यहाँ पर बचेगा पाँच दहाई और ये हो गया यहाँ पर हो जाएगा चौदह चौदह में से जब हम सात घटाएंगे तो सात बचेगा पचास में से बीस घटाएंगे तो तीस बचेगा तो तीस धन सात यानी इस तरह से हमें कितना प्राप्त हो जाएगा सैंतीस प्राप्त हो जाएगा इसका मतलब हमने छ दहाइयाँ में से छः दहाइयाँ चौंसठ क्या है छः दहाइयाँ और चार इकाइयाँ हैं इसमें हमें घटाना है दो दहाइयाँ और सात इकाइयाँ सात इकाइयों को हम घटा देंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है तीन दहाईया, तीन दहाइया और सात इकाइयाँ इस तरह से हमें प्राप्त हुआ इसी प्रकार आप देखिए छत्तीस में से क्या घटाएं कि पंद्रह प्राप्त हो तो देखिए इकाई में यहाँ पर छः है तो छः में से अब यहाँ पर देखिए छ में से यदि हम एक घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा पाँच प्राप्त होगा उसी प्रकार यहाँ देखिए तीन में से कितना घटाएंगे तो एक प्राप्त होगा तीन में से हम दो घटा देंगे तो एक प्राप्त हो जाएगा तो छत्तीस में से इक्कीस घटाने पर पंद्रह प्राप्त होगा इसी प्रकार देखिए दो में से क्या घटाएं कि सात प्राप्त हो दो में से कुछ भी घटाने पर सात प्राप्त नहीं होता तो यहाँ पर हम एक उधार लेंगे तो यहाँ बचेगा सात आठ के स्थान पर बचेगा सात और यहाँ हो जाएगा बारह अब बारह में से जब हम पाँच घटाएंगे तो बचेगा सात इसी प्रकार यहाँ सात बचा सात में से क्या घटाएँ कि छः बचेगा सात में से एक घटाने पर छः बच जाएगा इसी प्रकार हमें इन सवालों को करना है अब लेंगे वर्कशीट क्रमांक 28। चित्रों के माध्यम से घटाना तो कैसे घटाएंगे चित्रों के माध्यम से चित्र में सोलह गोले बने हुए हैं उसमें से सात गोले ले लो कितने गोले बचे ये देखिए सोलह गोले बने हुए हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह में से हमने सात गोले ले ले लिए एक दो तीन चार पाँच छः सात गोले ले, ले लिए कितने गोले बचे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ गोले बचे इसी प्रकार यहाँ देखिए चित्र में पंद्रह डिब्बे बने हुए हैं उनमें से आठ डिब्बे ले लो कितने डिब्बे बचे अब ये देखिए पंद्रह डिब्बे बने हुए हैं इनमें से आठ डिब्बे हमें ले लेना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ डिब्बे हम ले चुके तो कितने डिब्बे बचे एक दो तीन चार पाँच छः सात डिब्बे बचे कितने बचे सात बचे पंद्रह में से आठ घटाने पर सात बचेगा इसी तरह से सवाल नंबर तीन और चार हमें करना है वर्कशीट क्रमांक उनतीस है घटाने के शाब्दिक प्रश्न घटाने के शाब्दिक प्रश्न देखिए एक बाग में आम के पेड़ कितने हैं पैंतालीस हैं दूसरे बाग में आम के पेड़ कितने हैं तेईस हैं तो पहले बाग में आम के कितने पेड़ अधिक हैं तो पैंतालीस में से हमें तेईस को घटा देना है तो कैसे घटाएंगे ये देखिए पाँच में से तीन को घटा देंगे एक दो तीन चार पाँच में से तीन को घटा दिया तो कितने बचे दो और चार में से 2 को दो को घटा दो एक दो तीन चार में से दो को घटा दो तो यहाँ बचा दो तो कितने पेड़ अधिक हैं पहले बाग में बाईस पेड़ अधिक हैं इसी प्रकार देखिए पहली पेटी में आम बयालीस हैं दूसरी पेटी में आम छत्तीस हैं पहली पेटी में कितने आम अधिक हैं तो बयालीस वाले में कितने अधिक हैं अभी देखिए घटा देते हैं दो में से छः तो घटता नहीं है तो यहाँ से एक उधार लेंगे यहाँ तो यहाँ हो जाएगा बारह और यहाँ बचेगा तीन ठीक है अब बारह में से छः जाएगा तो बचा छः और तीन में से तीन गया तो शून्य तो पहली पेटी में कितने आम अधिक हैं छः आम अधिक है इसी प्रकार ये आगे के सवाल हमें करना है अब आते हैं वर्कशीट क्रमांक तीस में आकलन पाँच घटाने की समझ के लिए अब घटाने की समझ के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के हल करें अब हमारे पास ये देखिए छप्पन में से चौंतीस घटाना है छः में से चार घटाना है एक दो तीन चार पाँच छः में से कितने घटाना है एक दो तीन चार घटा देंगे तो कितने बचेंगे दो बचेंगे अब पाँच में से तीन घटाना है एक दो तीन चार पाँच में से एक दो तीन घटा दो कितने बचेंगे दो यहाँ बाईस आ गया अब यहाँ देखिए इकाई में छः छः में से आठ घटता नहीं है तो हम एक उधार ले लेंगे तो ये हो जाएगा सोलह इधर बचेगा सात ठीक एक चला गया सोलह में से आठ घटा देंगे तो सोलह में से आठ घटेंगे तो कितने बचेंगे आठ अब यहाँ सात है सात में से जब हम पाँच घटाएंगे तो बचेगा दो इस तरह से उत्तर प्राप्त होगा अट्ठाईस इसी प्रकार देखिए नौ है नौ में से जब तीन घटेगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ में से जब तीन घटा देंगे तो बचेंगे छः और सात में से छः घटा दीजिए तो बचेगा एक इस तरह से सोलह प्राप्त होगा आगे के प्रश्नों को अब हल करते हैं देखिए अब हम दो में से क्या घटाएँ कि सात प्राप्त हो दो में से तो ऐसा प्राप्त होगा नहीं इसलिए एक यहाँ उधार लेंगे तो बारह हो जाएगा यहाँ बचेगा तीन अब बारह में से क्या घटाने पर पाँच सात प्राप्त होगा बारह में से हम पाँच घटा देंगे तो सात प्राप्त होगा और तीन में से क्या घटाने पर दो प्राप्त होगा तीन में से एक घटाने पर दो प्राप्त होगा इस तरह से यहाँ पर पंद्रह प्राप्त होगा अब देखिए तीन में से तो छः घट छः कुछ घटाने पर छः प्राप्त होगा नहीं इसलिए यहाँ पर हम एक उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा तेरह और यहाँ बचेगा छः तो देखिए तेरह में से क्या घटाएंगे तो छः प्राप्त होगा तेरह में से सात घटाने पर छः प्राप्त होगा और छः में से क्या घटाने पर पाँच प्राप्त होगा छः में से एक घटाने पर पाँच प्राप्त होगा इसी तरह से इस तीसरे सवाल को आपको हल करना है सैलजा के पास अंठानवे रुपए हैं और उसने उन्यासी बाज़ार में खर्च कर दिए तो उसके पास कितने रुपये शेष बचे पहले सैलजा के पास कितने रुपए थे अंठानवे थे और उसने कितने खर्च कर दिए सेवेंटी नाइन खर्च कर दिए उन्यासी तो अब देखिए आठ में से तो नौ घटता नहीं है तो हम एक उधार ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा अठारह यहाँ बचेगा आठ तो देखिए अट्ठारह में से नौ जाएगा तो बचेगा नौ और आठ में से सात जाएगा तो बचेगा एक इस तरह से उसके पास कितने रुपए शेष बचे उन्नीस रुपए शेष बचे ये हो जाएगा आंसर इसी प्रकार प्रश्न नंबर चार आपको करना है वर्कशीट क्रमांक इकतीस देखिए मुद्रा की पहचान तो कैसे करेंगे मुद्रा की पहचान तो देखिए यहाँ पर कुछ आकृतियाँ बनी गई हुई हैं एक रुपये का सिक्का दो रुपये का सिक्का पाँच रुपये का सिक्का ये दस रुपये का सिक्का ये एक रुपये का नोट ये दो रुपए का नोट ये पाँच रुपये का नोट इसी प्रकार देखिए ये दस रुपये का नोट ये बीस रुपये का नोट ये पचास रुपये का नोट ये सौ रुपये का नोट और यहाँ पर पाँच रुपये दस रुपये फिर यहाँ पर ये बताया गया है सबसे पहले तो नोटों की पहचान हो गई सिक्कों की पहचान हो गई अब हम इनको जोड़ेंगे तो बोले पाँच रुपए का नोट और एक दस रुपए का नोट मिलकर कितने रुपये बन जाएंगे पंद्रह रुपये बन जाएंगे यहाँ पर देखिए एक पचास रुपए का नोट और एक दो रुपये का नोट मिलकर कितने रुपये बन जाएंगे पचास में दो रुपये जोड़ देंगे तो बावन रुपये हो जाएंगे अब यहाँ पर देखिए एक बीस रुपये का नोट और एक रुपये का नोट मिलकर हो जाएंगे बीस और एक इक्कीस इक्कीस रुपये बन जाएंगे इस तरह से हम मुद्रा की पहचान कर सकते हैं फिर वर्कशीट थर्टी टू है राशि के अनुसार मुद्रा बनाना राशि के अनुसार मुद्रा बनाइए फिर राशि जो बनाती है बाईस रुपये किसी एक नोट का नाम लिखना है बाईस रुपये में एक बीस का नोट ले लिया हमने और सिक्कों का विवरण फिर हमें सिक्का चाहिए तो एक रुपये का एक सिक्का और एक रुपये का एक सिक्का तो बीस इक्कीस और बाईस हो गया अब तेरह रुपये में देखिए तेरह रुपये हमें बनाना है तो रुपये दस का नोट एक नोट हम कौन सा ले लेंगे दस का ले लेंगे और एक सिक्का हम दो रुपये का सिक्का ले लेंगे और एक सिक्का हम एक रुपये का ले लेंगे तो दस और दो बारह और एक तेरह रुपये हो जाएंगे अब हमें आठ रुपये बनाना है तो क्या करना पड़ेगा एक नोट ले लेंगे रुपये पाँच का नोट ये देखिए हमने पाँच का नोट ले लिया फिर रुपये दो का एक सिक्का ले लिया तो पाँच और दो सात हो गया और एक रुपये का एक सिक्का ले लिया तो आठ हो गया इसी प्रकार आपको छप्पन तीस ग्यारह और चौबीस रुपये पचहत्तर तेईस रुपये के विवरण को भरना है अब आते हैं वर्कशीट क्रमांक तैंतीस में मुद्रा का परिवर्तन एक रुपये दो रुपये पाँच रुपये दस रुपये और बीस उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के हल कीजिए अब दस रुपये का सिक्का वास्तव में किसके बराबर है तो पाँच रुपये का सिक्का और पाँच रुपये के सिक्के के बराबर है दोनों के योग के बराबर क्या है दस रुपये का सिक्का है फिर देखिए यहाँ पर दस रुपये में पाँच रुपये के कितने सिक्के हैं दो सिक्के हैं अभी हमने नापा दस रुपये में दो रुपये के कितने सिक्के होंगे दो एक कम दो 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 दूनी चार दो तीन छः दो चौके आठ दो पंचे दस पाँच सिक्के होंगे दो रुपये के अब बीस रुपये में पाँच रुपये के कितने सिक्के होंगे पाँच कम पाँच पाँच दूनी दस पाँच तीन पंद्रह पाँचों तो चौके बीस पाँच रुपये के चार सिक्के मिलकर बीस रुपये बनाएंगे इसी प्रकार हमें ये आगे के सवालों को हल करना है फिर देखिए वर्कशीट क्रमांक चौंतीस बड़ी मुद्रा को छोटी मुद्रा में बदलना अब हम बड़ी मुद्रा को छोटी मुद्रा में बदलेंगे तो देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के हल करना है हमें जैसे यहाँ पर हमें दिए हुए हैं एक रुपये दो रुपये पाँच रुपये दस रुपये बीस रुपये पचास रुपये सौ रुपये की मुद्राएँ हमें दी गई हैं उदाहरण नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए हाँ अब यहाँ पर अब देखिए हमें यहाँ पर दस रुपये बनाने हैं तो पाँच रुपये के यहाँ पर हमारे पास दो नोट हैं पाँच रुपये के दो नोट मिलकर दस रुपये बनाते हैं तो यहाँ लिख देंगे दस रुपये में पाँच रुपये के दो नोट होते हैं सौ रुपये में पचास के कितने नोट होंगे पचास ए कम पचास पचास दूनी सौ तो दो नोट होते हैं बीस रुपये में पाँच के कितने नोट होंगे पाँच ए कम पाँच पाँच दूनी दस पाँच तीन पंद्रह पाँचों के बीस चार नोट होते हैं इसी प्रकार हमें पचास में दस के नोट पचास में पाँच के नोट और बीस में दो के नोटों की गणना करनी है वर्कशीट क्रमांक पैंतीस है मुद्रा का परिवेश में उपयोग मुद्रा का परिवेश में उपयोग देखिए अब यहाँ पर देखिए ये फल पाँच रुपये का ये फल दस रुपये का बीस रुपये का दस रुपये का चार रुपये का पंद्रह रुपये का नीचे दिए गए फल उनकी कीमत दी गई है अब हमें देखिए क्या करना है एक एक एप्पल और एक अनार लेना है तो अनार है पंद्रह का और एप्पल है दस का तो दस और पंद्रह मिलकर कितना हो जाएगा पच्चीस इसी प्रकार हमें आगे भी फलों को इसी तरह से देखिए यह एप्पल हो गया दस रुपये का और अनार हो गया पंद्रह रुपये का तो दस और पंद्रह मिलकर पच्चीस रुपये का हुआ इसी प्रकार यहाँ पर देखिए एक नाशपाती और एक एप्पल एक नाशपाती की, की कीमत कितनी है देखिए एक नाशपाती की, की कीमत पाँच रुपये की है और एक एप्पल की कीमत दस रुपये की है हम कैसे लिख देंगे पाँच रुपये धन दस रुपये मिलाकर कितने रुपए हुए पंद्रह रुपए हुए है ना इस तरह से हमें यहाँ पर जोड़ना है इन आकृतियों के भी खरीदी पर हमें कितने रुपए देने होंगे ये हमें स्वयं करना है अब देखते हैं वर्कशीट क्रमांक छत्तीस मुद्रा की समझ के लिए पचास रुपये का नोट और बीस रुपये का नोट जब हम जोड़ देंगे पचास साठ सत्तर तो हमें कितने रुपए प्राप्त होंगे सत्तर रुपये इसी प्रकार देखिए बीस रुपये के ये दूसरा सवाल आपको करना है बीस रुपए के नोट में पाँच रुपये के कितने नोट होते हैं तो पाँच एकम पाँच पाँच दूनी दस पाँच ती पंद्रह पाँचों के बीस बीस रुपये के नोट में पाँच रुपये के चार नोट होते हैं दस रुपये के पाँच नोट मिलकर कितनी राशि बनाते हैं दस पाना पचास रुपये बनाते हैं फिर देखिए दस रुपये के दो दस रुपये में दो रुपये के कितने नोट होते हैं 2 एक दो एक कम दो 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 चार दो तीय छः दो चुके आठ दो पंच दस कितने नोट होते हैं पाँच नोट होते हैं इसी प्रकार देखिए एक पेन का मूल्य पाँच रुपये और पेंसिल का मूल्य दो रुपये हो तो दोनों खरीदने के लिए कितने रुपये खर्च करने होंगे पाँच रुपये और दो रुपये मिलाकर सात रुपये खरीदने खर्च करने होंगे अब देखिए रानी ने एक कंपास पचपन रुपये का और एक रजिस्टर पैंतीस रुपये का खरीदा तो उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए देखिए पचपन रुपये का ले लिया कंपास और रजिस्टर है पैंतीस का जोड़ देंगे तो पाँच और पाँच मिलकर हो जाएंगे दस दस की शून्य हासिल का एक पाँच और तीन आठ और एक नौ तो रानी ने कुल नब्बे रुपये खर्च किए तो ब्रिज कोर्स कक्षा तीसरी गणित का संपूर्ण हल यहाँ समाप्त होता है धन्यवाद